कौन सी वेबसाइट्स हैं जिससे आप होटल बुकिंग इजीली कर सकते हो, अच्छे प्राइस में कर सकते हो और वो यूजर फ्रेंडली भी है, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ। सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी और आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था जो कि थोड़ा सा अलग था। वो यूँ अलग था कि मैंने उसमें 5-स्टार होटल्स आप किस तरीके से कम रेट में बुक कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया था और आप लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया, तो मुझे लगा कि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मुझे ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पुराना, तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा कार्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसे देख सकते हैं जाकर। बाकी आज के वीडियो की शुरुआत हम अभी करते हैं, लेट्स गो। वैसे तो होटल बुकिंग करने के लिए ढेरों वेबसाइट्स हैं, ढेरों ऐसे ऐप्स हैं जहां से आप होटल बुक कर सकते हैं, पर लोगों को मेन कंसर्न होता है कि आजकल फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसा भी होता है कई बार कि आप पे कर देते हैं बट वो ऐप के थ्रू तो बुकिंग दिखाता है पर जब आप होटल में चेक इन करते हैं तो वहां पर झोल हो जाता है, कई बार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे दो बेस्ट ऐप हैं इंडिया के जिनके थ्रू आप बुकिंग करके ईजिली होटल में चेक इन कर सकते हैं और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली, आपको इसमें बुक करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बट उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है, सो डोंट टेक इट एज दैट। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से ट्रैवल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ और मुझे पता है, मैं इन ऐप्स को यूज़ कर चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता है इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। अभी सबसे पहले बात हो ही रही है गोएबिबो की, तो चलो बता देती हूँ आपको गोएबिबो के बारे में। तो गोएबिबो इज़ द ऐप जहाँ से आप फ्लाइट, होटल, बस, ट्रेन ये सारी चीज़ें बुक कर सकते हो। और अभी बात कर रहे हैं होटल की, तो किसी भी शहर में आपको होटल बुकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर साइड बाय साइड मैं आपको एक स्क्रीन में दिखता रहेगा कि किस तरीके से आप, फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली में कोई होटल बुक करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर फिल्टर्स भी होते हैं जो कि आप लगा सकते हो, आपको 3-स्टार प्रॉपर्टी चाहिए, 2-स्टार चाहिए, 4-स्टार चाहिए, 5-स्टार चाहिए, आपको किस एरिया में चाहिए पर्टिकुलर, आपको फॉर एग्जाम्पल पहाड़गंज में कोई प्रॉपर्टी चाहिए, आपको कनॉट प्लेस के पास कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। वो ऐप आपको उस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज सर्च करके देगा, होटल सर्च करके देगा, आपको होटल चाहिए, आपको रिजॉर्ट चाहिए, आपको विला चाहिए, कोई कम रेंज, लाइक रेंज भी उसमें होते हैं जिस तरीके से आप फिल्टर सारा सेट कर लो। सो रूम सिलेक्शन और ये सारी चीज़ें करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बुकिंग में तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। नाउ गोएबिबो में आपको पहले पेमेंट करना होता है, मोस्ट ऑफ द ऐप्स आपसे पहले पेमेंट मांगते ही है। इफ यू आर बुकिंग होटल तो डेफिनेटली आपसे होटल बुकिंग के लिए पहले ही पेमेंट मांगते हैं। पर इसके बाद मैं एक ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि आपसे पहले पेमेंट नहीं लेता है और विदाउट एनी पेमेंट वो ऐप बुक कर लेता है आपका रूम इन एनी होटल अराउंड इंडिया। यस, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, पर अभी गोएबिबो की बात चल रही है। तो वहां पर आपको पेमेंट करना होता है, पेमेंट करने के बाद आप इजीली बुक कर सकते हैं अपना स्टे इन एनी होटल एनी रिजॉर्ट। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि दूसरा ऐप जो है उसमें आप विदाउट एनी पेमेंट आप बुकिंग कर सकते हो अपनी होटल की, तो वो है booking.com। यस, ये फीचर मेरे ख्याल से और किसी ऐप में अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, बट मैंने आज तक सिर्फ booking.com से ही होटल की बुकिंग ऐसे की है जहां पर मुझे कोई पेमेंट नहीं करना है, आई जस्ट बुक द प्लेस और उसके बाद जाकर आप होटल में पेमेंट कर सकते हो आपके चेक इन के टाइम पे। अब वो कैसे होता है, तो उसके लिए बस एक चीज रिक्वायर्ड होती है और वो क्या, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। सबसे पहले बात करते हैं booking.com के प्रोसेस के बारे में, तो इसका भी गोएबिबो की तरह बड़ा इजी है, ऐप भी है पर मोस्टली मैं इसे ब्राउजर में यूज करती हूं, तो आप इसे ब्राउजर में ओपन कर लो और उसके बाद अपनी जो भी सिटी में जहां भी आप ट्रेवल कर रहे हो वहां का नाम डालो, आपको सारे फिल्टर्स लगा दो, जिस रेंज में चाहिए, जिस तरीके की प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हो वो आप फिल्टर्स लगाने के बाद booking.com में आप इजिली पहुंच जाओगे अपने
लिस्ट पे जो कि ओपन हो जाती है सारे होटल्स के। और booking.com की एक चीज बहुत अच्छी है कि उसमें आपको रियल पिक्चर्स जो है प्रॉपर्टी की वो एक अलग टैब पे मिल जाती है, जो कि होटल के स्टे किए हुए पिछले जो लोग भी स्टे करते हैं वो चीज आपको goibibo में भी मिलती है। booking.com में ज्यादा वैरायटी और ज्यादा अमाउंट में मिलती है क्योंकि booking.com अपने होटल बुकिंग को लेकर ही, होटल बुकिंग इंडस्ट्री से ही उसने शुरू किया था, तो उसमें आपको उसके बहुत सारे रिव्यूज मिल जाते हैं कस्टमर्स के जिसके बाद बुकिंग करने के टाइम पे। वहां पर एक और अच्छी चीज है कि रूम के जितने भी वैरायटी, जितने भी ऑप्शंस होते हैं उस पर्टिकुलर होटल में वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं इस तरीके से, और वहां पर आप इजीली देख सकते हैं उस पर्टिकुलर रूम में वॉशरूम कैसा है, वहां पर स्पेस कितना है, वहां से व्यू कैसा है, वो सारे रूम भी आपको दिखाते हैं। और ये चीज सबसे अच्छी लगती है मुझे booking.com की कि आप अपने पसंद का रूम वहां से पर्टिकुलर वो रूम सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये वाला रूम चाहिए और वही रूम आपको वहां पर मिलेगा। तो यहां से आपने रूम सिलेक्ट किया, उसके बाद आप जाते पेमेंट वाले विंडो में। पेमेंट वाले विंडो में पहुंचते ही अगर आपको पे करना है, ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अभी पे कर दो या पे इट लेटर या पे इट इन द होटल, तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है कि पे डायरेक्टली इन होटल। तो उसके लिए आपको वहां पर कुछ नहीं करना है, पेमेंट नहीं करनी है, पर एक चीज जो है वो आपकी सिक्योरिटी तो जरूर लेगा कि आप फॉल्स बुकिंग तो नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए वो आपसे पूछते हैं आपके डेबिट कार्ड का नंबर। नाउ वहां पे आपको CVV या फिर अपना पिन कोड ऐसा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती है, आपका ट्रांजेक्शन उस कार्ड से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप वहां पे अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड का नंबर डालना चाहते हैं वहां पर आप डालोगे, और उसके बाद वो जस्ट वो सिक्योरिटी कि आप सच में बुक कर रहे हो, आप फॉल्स बुकिंग नहीं कर रहे हो, इसके लिए होता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने booking.com से पर्सनली 15 से 20, 25, 30 बार, पता नहीं कितनी बारी होटल की बुकिंग की है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपना कार्ड नंबर डाला है और उससे फॉल्स डिडक्शन हुए हो, नेवर एवर इट हैपेंड। तो आप उससे उस पर इजिली ट्रस्ट कर सकते हो। अब अभी भी इसके बाद भी आपके माइंड में कोई क्वेरी रह जाती है, आप कुछ पूछना चाहते हो रिलेटेड टू होटल बुकिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, आई विल रिप्लाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कमेंट बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू विद अनदर वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय, नमस्ते।